ओम शांति। हम सभी के भाग्य के क्या कहने, भगवान की गोद में आ गए और उसकी गोद में आकर उसके बच्चे बनकर हमने बहुत सुख पाया, विश्राम पाया, जन्म जन्म की भक्ति की और विकारों की थकान मिटा दी। वाह बाबा वाह, तुमने आकर हमें निहाल कर दिया, हमारे जन्म जन्म के कष्ट हर लिए, हमें बहुत बहुत सुख प्रदान किया और एक महान लक्ष्य दिया। बच्चे, अपनी दृष्टि वृत्ति को बेहद की बनाओ, तुम्हें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता एक दो का नहीं होता, सारे संसार का होता है। फरिश्ता बेहद का होता है, मैसेंजर होता है, गॉडली मैसेंजर, वो डबल लाइट होता है, संपूर्ण पवित्र होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और होता है विश्व कल्याणकारी। तो हमें अपने को बेहद में ले चलना है। अगर हम हद के तेरे मेरे में रहेंगे, यदि हम मैं और मेरेपन में ही उलझे होंगे, तो हम विश्व कल्याणकारी कदापि नहीं बन पाएंगे। हम फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम रोज याद किया करें, आज तो विशेष याद करें, मैं महान हूँ, पूर्वज हूँ, बाप समान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। मुझे तो विश्व की पालना करनी है, मेरा जन्म ही इस महान कार्य के लिए हुआ है। बाबा ने मेरी पालना ही इस महान कार्य के लिए की है, उसने मुझे शक्तियाँ और वरदान भी इस महान कार्य के लिए ही दिए हैं। इससे हमारी दृष्टि वृत्ति बहुत महान हो जाएगी और जब हम बेहद की सेवाओं में व्यस्त होते हैं, तो ये व्यर्थ, ये छोटी मोटी चिंताएं, ये तेरे मेरे के बातें, ये उलझने सब समाप्त हो जाती हैं। जैसे एक स्लोगन है जो सबके पास लिखा रहता है कि अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। हमारा लक्ष्य संपूर्ण फरिश्ता बनकर विश्व को बाबा का मैसेज देना है, प्रकृति को पावन करना है, हमें विश्व कल्याणकारी बनना है और रहना है बहुत लाइट। हम लाइट हो जाएं और अपने को हमेशा प्रकाश के शरीर में विराजमान देखें। बहुत अच्छी बात है, हमारे अंग अंग से लगातार वाइब्रेशंस फैलते हैं, रंग बिरंगी किरणें फैलती हैं। एक सीन आपको सुना दें, बाबा ने सुनाया कि वतन में तीन फरिश्ते इमर्ज हुए, तीनों एडवांस पार्टी की महान आत्माएं थी और बाबा ने क्या किया, हाथ में हीरे लिए रंग बिरंगे, उनका पाउडर बना दिया और सबके ऊपर छिड़क दिया और सबके अंग अंग से रंग बिरंगी बहुत आकर्षित करने वाली किरणें फैलने लगी। ऐसा ही अभ्यास हम भी करें। बाबा सामने खड़े हैं, हाथ में हीरे लिए दबाकर पाउडर बना दिया और हमारे ऊपर छिड़क दिया और हमारे अंग अंग से पवित्रता की, शक्तियों की, सर्व गुणों की, हमारी फीलिंग्स की रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। मैं आत्मा अलग चमक रही हूँ, ये देह जो प्रकाश का है उससे फैलती हुई रंग बिरंगी किरणें अलग दिख रही हैं। बहुत अच्छी तरह है, आज सारा दिन इसको एंजॉय करेंगे और मन के सारे बोझ बाबा को दे देंगे।
हम बाबा का ये महान कार्य करें तो बाबा हमारे बोझ लेता रहेगा, हमारी जिम्मेदारियां संभालता रहेगा। हम उसके कार्यों की जिम्मेदारी संभालें, वो हमारी चिंताएं और सारी जिम्मेदारियों को संभालता रहेगा। और उसके लिए ये सब कुछ संभालना बिल्कुल एक छोटा सा खेल है। तो आज सारा दिन मैं फरिश्ता हूँ और ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।